हम जरूर बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको आप करके महीना में 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों दोस्तों इस बिजनेस का खास बात यह है कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए सरकार 90% तक रुपया देगी इस बिजनेस को करने के लिए, और वो भी 35% तक सब्सिडी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से मशीन खरीदना होगा, इसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, ये मशीन कहाँ से खरीदेंगे, इसका ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे, इसका मार्केटिंग कहाँ करेंगे, ये प्रोडक्ट जब तैयार करेंगे, तो ये सब पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बताएंगे। और साथ में बताएंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए सरकार जो हमें मदद करेंगे 90% रुपया से, तो वो रुपया जो है हम कैसे सरकार से लेंगे, ये सब आपको हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, सब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, और राइट साइड में बेल का आइकन होगा उस पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। इस वीडियो में मैं बताता हूँ नोट मेकिंग बिजनेस कैसा करते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट होता है, मटेरियल्स क्या है, मशीनरी क्या है। नोटबुक करने का कॉमन चीज है फ्रेंड्स, ये बचपन में से भी आप देखते हैं, कहाँ स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, कहाँ भी देख ले, इसका डिमांड बहुत है फ्रेंड्स। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के एक महीना पहले आप मार्केटिंग सर्वे करिए फ्रेंड्स। ये सर्वे करने से आपको पता मटेरियल्स क्या है, कई मटेरियल्स क्या है, मशीनरी क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, सब आपको एक प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल से सब पता होता है फ्रेंड्स। इस बिजनेस को आप दो तरफ से स्टार्ट करें फ्रेंड्स। दो इस बिजनेस में दो दो टाइप ऑफ बिजनेस है। एक बिजनेस है नोटबुक होलसेल बिजनेस फ्रेंड्स, एक है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैं इस वीडियो में बताता हूँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसा स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो में क्लियर से बताता हूँ। जो फ्रेंड्स इस नोटबुक मेकिंग मशीन है ना फ्रेंड्स, ये मशीन थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेती, घर में और ऑफिस में तुम सेपरेट से भी लग सकते हैं। मटेरियल्स ये है फ्रेंड्स, कटिंग, स्टिचिंग और लेवल, ये सब चाहिए। मैं इस मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड्स, वो लिंक से तुम कांटेक्ट होते मशीन वालों को और कंपनी वालों को कांटेक्ट हो जिए। ये मशीन आपको मिलती है मार्केट में 3 से 7 लाख इस बीच में मिल जाती है फ्रेंड्स। इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट लोन भी दे सकती है आपको, तुम बैंक में कांटेक्ट हो जाइए बैंक वालों से फ्रेंड्स। इसका मेन मटेरियल ये है पेपर है फ्रेंड्स, ये पेपर मार्केट में आपको मिलता 50 से 60 रुपए में मिल जाता केजी। इस 1 केजी पेपर से तुम बना सकते हैं ये 10 नोटबुक्स बना सकते हैं फ्रेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिटी ऑफ बुक्स है फ्रेंड्स। आपको पता है फ्रेंड्स नोटबुक में भी बहुत टाइप से, एक टाइप है 50 पेजेस, 60 पेज, 70 पेजेस, इस तरफ नोटबुक्स भी मार्केट में मिलते हैं फ्रेंड्स। इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेन एक थिंग है फ्रेंड्स, वो लाइसेंस भी चाहिए इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फ्रंट शीट में जो तुम्हारा कंपनी का नाम भी लगा सकते हैं फ्रंट शीट, फ्रंट में एक शीट रहता ना फ्रेंड्स मोटा शीट, वो शीट आपको मिलता मार्केट में 50 पैसे से 60 पैसा पड़ जाता तुमको मार्केट में। आप तुम्हारे नजदीक है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उनके पास जाके तुम लोकल में कोई आसपास में बुक शॉप रहते ना फ्रेंड, उनसे तुम कांटेक्ट होकर वो अच्छा तरफ से पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं फ्रेंड्स इस बिजनेस में।